आप सबका स्वागत है, मैं स्वाति मेहता। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर भोपाल से है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर संशय, वर्चुअल हो सकती है मीटिंग। सीएम भूपेश का भोपाल दौरा रद्द, भारी बारिश के चलते दौरा किया गया रद्द। सीएम योगी का भोपाल दौरा रद्द, सीएम धामी भोपाल में मौजूद। अमित शाह की अगुवाई में होनी है बैठक, खराब मौसम से लैंड नहीं हो पा रही फ्लाइट। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते सीएम योगी का दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते ये दौरा रद्द किया गया है। सीएम योगी का भोपाल दौरा हुआ रद्द। आपको बता दें कि सीएम योगी का भोपाल दौरा रद्द कर दिया गया है, लेकिन सीएम धामी भोपाल में है मौजूद। आपको बता दें कि अमित शाह की अगुवाई में होनी है ये बैठक, जिसमें सीएम धामी मौजूद रहेंगे, पर इसके साथ ही सीएम योगी का दौरा रद्द हो गया है। खराब मौसम से लैंड नहीं हो पा रही फ्लाइट, जिसके चलते रद्द हुआ दौरा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की आज बैठक है, बैठक पर संशय। आप बता दें कि वर्चुअल हो सकती है मीटिंग, क्योंकि भारी बारिश के चलते और मौसम खराब होने की वजह से सीएम योगी का भोपाल दौरा रद्द हो गया है। बता दें कि सीएम भूपेश का भी भोपाल दौरा रद्द, भारी बारिश के चलते सीएम का भोपाल दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी का भी भोपाल दौरा रद्द है, पर सीएम धामी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। सीएम धामी भोपाल में मौजूद है, पर इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल और इसके साथ ही सीएम योगी की जो दौरा था, भोपाल दौरा था, वो रद्द हो गया है। मौसम खराब होने के चलते लैंड नहीं हो पा रही फ्लाइट, जिसके चलते ये दौरा रद्द किया गया। आपको बता दें कि आज भोपाल से बड़ी खबर है, जहां भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है। आपको बता दें कि ये बैठक वर्चुअल हो सकती है, क्योंकि सीएम बघेल और इसके साथ ही सीएम योगी का दौरा रद्द हो गया है। मौसम खराब होने के चलते दौरा हुआ रद्द, पर इसके साथ ही आपको बता दें कि मीटिंग में जो भोपाल में सीएम धामी अभी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी का और सीएम बघेल का, सीएम भूपेश बघेल का दौरा रद्द हो गया है, भोपाल दौरा रद्द हो गया है। पर इसके साथ ही आपको बता दें कि होने वाली माध्यमिक क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम धामी शामिल होंगे। खराब मौसम से लैंड नहीं हो पा रही फ्लाइट, जिसके चलते दौरा हुआ रद्द। भोपाल से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, जिसको लेकर शामिल होने वाले थे जिसमें सीएम योगी। पर आपको बता दें कि सीएम योगी का मौसम खराब होने के चलते दौरा रद्द हो गया। इसके साथ ही सीएम भूपेश का भी दौरा, भोपाल दौरा रद्द हो गया, भारी बारिश के चलते दौरा हुआ रद्द। इसके साथ ही आपको बता दें कि पर इस दौरे में सीएम धामी शामिल रहेंगे। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता जुनैद अहमद। जुनैद, ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भोपाल दौरे पर सीएम योगी जाने वाले थे और वहां माध्यमिक क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने वाले थे, पर अब कई मौसम खराब होने के चलते ये दौरा रद्द हो गया। इसके साथ ही सीएम भूपेश भी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? मैडम, भोपाल के अंदर एक्चुअली क्या लगातार बारिश का दौर जारी है, और इस वजह से एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी काफी कम है। इसलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी दौरा रद्द हो गया है, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी भोपाल आने वाले थे, उनका दौरा भी रद्द हो गया है। ये तो क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं, और हो सकता है कि वर्चुअली मीटिंग है और वहां से ये लोग वर्चुअली मीटिंग में शामिल हों। जी, अगर मीटिंग की बात की जाए तो मीटिंग में किन किन बातों पर चर्चा हो सकती है? मैडम, ये मध्य क्षेत्र की मीटिंग होना थी, इसके अंदर चार प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आना था जी। लेकिन मौसम खराबी की वजह से दो मुख्यमंत्री आ नहीं पाए। अब देखिए, अमित शाह तो भोपाल में मौजूद है, क्या चर्चा होती है ये बाद में निकलकर सामने आएगा जी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मीटिंग टाल दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से दो राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या टलने की भी संभावना है? मीटिंग टालने की तो संभावना नहीं है मैडम, क्योंकि इन लोगों को वर्चुअली ये लोग शामिल हो जाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। अमित शाह ऑलरेडी भोपाल के अंदर है, तो मीटिंग तो होगी, लेकिन मीटिंग थोड़ी संक्षिप्त में करी जाएगी जी। ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद जुनैद। तो आपको बता दें कि आज भोपाल में माध्यमिक क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, जिसको में शामिल होने वाले थे सीएम भूपेश बघेल, और इसके साथ ही सीएम योगी भी शामिल होने वाले थे, पर इन दोनों का दौरा ही रद्द हो गया।